दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती इंटरव्यूज, शोज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब से बेहद कोसों दूर रहते हैं और इस सब की वजह आप सबको पता है। वजह यह है कि मिथुन दादा को पता है कि जो खबरें चलती हैं वो सब हकीकत नहीं होती, क्योंकि हम कुछ बोलते और हैं, दिखाते कुछ और हैं और चलाते कुछ और है। और यही वजह है कि मिथुन चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर एक्टिव भी बहुत कम रहते हैं, बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अब मिथुन चक्रवर्ती के कुछ खुलासे हैं जिनके बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता है जिनको, उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये खुद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने शोज के दौरान खुद खुलासे किए थे। मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आप सबने फेक खबरें बहुत सुनी होंगी, बकवास खबरें भी सुनी होंगी, लेकिन ये जो खुलासे हैं पांच, वो मिथुन चक्रवर्ती की खुद की जुबानी रही है, जो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने जुबान से अपने शोज में किए थे। सबसे बड़ा खुलासा था उनका डांस रियलिटी शो आया करता था, और उन्होंने अपने बच्चों को लेकर ही एक बड़ा खुलासा किया था कि वे आज तक अपने बच्चों से पापा कहते हुए नहीं सुने हैं। उन्होंने इस बारे में बात की थी और बताया था कि उनके बच्चे आज तक उन्हें पापा कहकर नहीं बुलाए, और इसकी वजह यह थी कि मीमो जब छोटा था तब उसको बोलना बहुत कम आता था और उसने पहली बार मिथुन बोला, जिसके बाद उसको आदत डलवाई गई कि वो मिथुन ही बोले, और जिसके बाद आज तक सभी बच्चे मिथुन ही बोलते हैं। सबसे बड़ा खुलासा रहा मिथुन चक्रवर्ती का, जो उनकी खुद की जुबानी रही है। साथ ही एक खुलासा और था, जब ईटीसी का इंटरव्यू आया करता था, आप सब ने फिल्में देखी होंगी 80 के दशक में, 90 के दशक में या फिर 2000 के दशक में, जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में एक्ट्रेस या फिर माँ या फिर विलन नए नए एक्टर्स हुआ करते थे, और इन सब के बारे में जब सवाल किया गया था ईटीसी के इंटरव्यू में, तब मिथुन चक्रवर्ती ने बताया था कि अगर एक्ट्रेस को लेकर बोला जाएगा तब ये गलत होगा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप था कि आप अपनी फिल्मों में एक्ट्रेस को खासकर कास्ट किया करते थे और एक्ट्रेस आपकी फिल्मों में नई नई हुआ करती थी। तब इस पर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने खुलासे करते हुए बोले थे कि ऐसा नहीं है, हमारी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्टर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस, एक्टर, माँ, बहन, जितने भी न्यू कमर आर्टिस्ट हुआ करते थे, हम सभी को अपनी फिल्मों में काम करने का एक मौका जरूर दिया करते थे, जो ये मिथुन चक्रवर्ती की खुद की जबान की थी। वही अमिताभ बच्चन को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने एक बात कही थी, अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं और उनके बारे में कहते भी हैं कि मिथुन चक्रवर्ती उनसे बड़े हैं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती अपने दर्जे में, अपने मुकाम जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, उस हिसाब से वह काफी टॉप पर है, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाएगा तब मिथुन चक्रवर्ती इस बात को खुद मानते हैं, और खुद उन्होंने डांस की रियलिटी शोज में ही अपने आप को अमिताभ बच्चन से छोटा बताया है और बताया था कि अमिताभ बच्चन उनके आदर्श हैं, उनके गुरु हैं। अब बाकी उनके फैंस उनकी खबरें क्या कहती हैं वो तो फैंस से जाने। ये भी कह सकते हैं कि 1990 में जब मिथुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू आया था 1990 के आसपास, तब भी मिथुन चक्रवर्ती ने यही बोला था कि फैंस तो हैं, फैंस कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने एक और भी खुलासा किया था अपने आप को लेकर, जो कि काफी दर्दनाक भी रहा है। उन्होंने अपने संघर्ष के किस्से को बताया था और बताया था कि कैसे उन्हें बेड पर सोने के लिए मजबूर किया गया था, नीचे चूहा काट लिया था, अगर बेड पर सो गए तो उन्हें डांट मिली थी। ऐसे बहुत से खुलासे और मिथुन चक्रवर्ती ने किए थे जिनको सुनकर हर किसी की आंखों में शायद आंसू आ जाए, और यह कोई फेक खबर नहीं बल्कि खुद मिथुन चक्रवर्ती की जुबानी बताई हुई कहानी है। वही सबसे बड़ा खुलासा तो मिथुन चक्रवर्ती ने अपने ड्रिंक को लेकर किया था। मिथुन चक्रवर्ती का कहना था कि मैं सबसे ज्यादा ड्रिंक किया करता था, लेकिन अब ड्रिंक मैं नहीं करता हूँ। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने यह एक स्पीच के दौरान बोली थी और वहाँ पर उनसे इस बारे में पूछा गया था कि ड्रिंक के मामले में आपकी क्या राय है, क्योंकि डॉक्टरों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो उस समय मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि ड्रिंक मुझसे ज्यादा कोई नहीं करता था, लेकिन मैंने ड्रिंक से तौबा किया जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सेहत के लिए नहीं है और न्यू जनरेशन को खराब करती है। तो मिथुन चक्रवर्ती की वो पांच ऐसे खुलासे हैं, और भी ऐसे बड़े बड़े खुलासे हैं, लेकिन ये पांच वो ऐसे खुलासे हैं जिनमें दारू भी आती है, अमिताभ बच्चन भी आते हैं, उनके खुद के बच्चे भी आते हैं, साथ ही और भी ऐसी कुछ स्टोरियां आती हैं जो मिथुन चक्रवर्ती के फैंस को हिलाकर रख देती है।